हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल मॉर्निंग इन द स्मॉल टाउन ऑफ हलेबीडू विच कम्स अंडर द हासन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। और एक दिन ऑलरेडी हम लोग घूम चुके हैं, कल का दिन हमने हासन को एक्सप्लोर करने में बिताया था और उसका व्लॉग ऑलरेडी आ चुका है चैनल पे। अगर आपने वो व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो कल शाम को ये हम हलेबीडू पहुंचे हैं और हलेबीडू में ही हमारे अगले 3 नाइट स्टे होने वाले हैं एंड वी आर स्टेइंग एट दिस प्रॉपर्टी इन हलेबीडू कॉल्ड होटल मयूरा शांतला। ये KSTDC का होटल है, यानी कि कर्नाटका टूरिज्म डिपार्टमेंट का होटल है। दिस इज द होटल प्रमाइसिस बिहाइंड मी और काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये होटल। तो लास्ट वीडियो में मैंने होटल रूम दिखाया था अंदर से, एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मयूरा शांतला। ये यहाँ पे ओपन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे किचन है और यहाँ पे कुछ हट्स हैं जिनके अंदर रूम्स हैं और ये हमारा रूम है। सो दिस इज अवर रूम एंड वहाँ पीछे बाथरूम है। तो एक अच्छा सा डिसेंट सा होटल है और रूम भी काफ़ी डिसेंट है और प्रमाइसिस काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ओपन एरिया है, गार्डन है बड़े बड़े। सो इट्स अ गुड प्लेस टू स्टे इन हलेबीडू। तो इस रूम का चार्ज मुझे गो आईबीबो से पड़ा 1200 rupees पर नाइट फॉर डबल बेडरूम इंक्लूडिंग टैक्सेस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस होटल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं हलेबीडू और बेलूर की। तो हलेबीडू एंड बेलूर ये दो छोटे से टेम्पल टाउन हैं जो कि कर्नाटका की हासन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ये दोनों हलेबीडू और बेलूर एक दूसरे से लगभग 17 किलोमीटर अपार्ट हैं। तो हलेबीडू और बेलूर ये दोनों ही द्रविड़ियन आर्किटेक्चर के एपिटोम माने जाते हैं। बोथ ऑफ दीज प्लेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द आर्किटेक्चरल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत टेम्पल्स हैं जो कि कर्नाटका की होयसाला एम्पायर से बिलोंग करते हैं। होयसाला एम्पायर कर्नाटका में 12th and 13th century में थी, स्टार्टिंग फ्रॉम दी किंग विष्णुवर्धन। राजा विष्णुवर्धन ने ये बेलूर और हलेबीडू के टेम्पल स्टार्ट करवाए थे और फिर आगे आने वाली जनरेशन ने इनको कम्प्लीट कराया। सो ये बहुत ही खूबसूरत टेम्पल्स हैं जो कि अपने आर्किटेक्चर और इंट्रिकेट डिजाइन के लिए बहुत ही पॉपुलर है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो ये सारे टेम्पल्स एक ग्रुप में है, हलेबीडू में भी एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है जिसके अंदर ये सारे टेम्पल हैं हलेबीडू के, और ऐसे ही बेलूर में भी एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है। तो हलेबीडू के जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं वो ये मयूरा शांतला के एकदम अपोजिट हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वो पीछे जो टेम्पल्स दिख रहे हैं वो हलेबीडू के टेम्पल्स हैं। तो आज हमारा प्लान ये है कि आज हम लोग बेलूर जाएंगे, वहाँ पूरा दिन स्पेंड करेंगे, आज बेलूर का आर्किटेक्चर एक्सप्लोर करेंगे और फिर कल हम लोग हलेबीडू घूमेंगे। तो बेलूर हलेबीडू से 17 किलोमीटर दूर है टुवर्ड्स दी वेस्ट एंड ऑफकोर्स वी आर ट्रेवलिंग बाई अवर बाइक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। सो ये होटल के एकदम सामने होयसाला के टेम्पल्स हैं एंड हासन इज टुवर्ड्स दी राइट एंड फॉर बेलूर वी हैव टू गो लेफ्ट। और ये हम पलक झपकते ही बेलूर पहुंच गए। बहुत ही अच्छी रोड थी रास्ते में हलेबीडू से बेलूर के बीच। सो इट टुक अस लाइक 15 minutes टू रीच हियर। वे टू चन्नाकेश्वर स्वामी टेम्पल, दैट्स आवर गोल। और बेलूर हलेबीडू से काफ़ी बड़ा लग रहा है, एक अच्छा टाउन है, एक मीडियम साइज टाउन लग रहा है। हलेबीडू तो बहुत छोटा सा था एज कम्पेयर टू बेलूर। सो दिस इज़ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिहाइंड मी, ये रहा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, काफ़ी बड़ा सा गोपुरम है स्टार्टिंग में ही, और हल्का फुल्का मार्केट है यहाँ पे, और बेलूर एक अच्छा खासा बड़ा टाउन दिख रहा है और आसपास कुछ मार्केट है। तो पहले अंदर चलते हैं फिर मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। सो ये बेलूर टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है। बेलूर में जो भी मेन देखने वाले मंदिर हैं वो सारे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं। वो कॉम्प्लेक्स का गेट है, सबसे पहले एक बड़ा सा गोपुरम है, फिर एक पिलर है और उसके बाद ये टेम्पल है और उसके आसपास और छोटे छोटे टेम्पल हैं। तो
इस कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल 5 मंदिर हैं, जिनमें से कि 3 मंदिर अभी भी लाइव हैं, उनके अंदर पूजा भी होती है। और जो सबसे मेन मंदिर है वो है चन्नकेश्व मंदिर। चन्नकेश्व मंदिर को विजय नारायण मंदिर भी कहते हैं। चन्नकेश्व मंदिर को होयसाला डायनेस्टी के जो फर्स्ट किंग थे, किंग विष्णुवर्धन, उन्होंने बनवाया था। उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी और ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर को बनने में 103 साल लगे थे, तो 3 पीढ़ियाँ लग गई थी होयसाला डायनेस्टी की इस मंदिर को कंप्लीट करने में। सो हिस्ट्री गोज लाइक दिस के किंग विष्णुवर्धन ने चोलास को बैटल में हराया था और उस बैटल में जो उनको जीत मिली थी उसको कमेमोरेट करने के लिए उन्होंने ये विजय नारायण टेम्पल बनवाया था। ये विष्णु जी का टेम्पल है, इसलिए इसको चन्नकेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। चन्नकेश्वर विष्णु जी का एक अवतार है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में ये चन्नकेश्वर मंदिर ही सबसे मेन अट्रैक्शन है। तो इस चन्नकेश्वर मंदिर की सबसे खास बात यह है, इसकी बहुत ही बारीकी से की गई हुई नक्काशी। मतलब इतना बड़ा मंदिर है और इसकी हर दीवार हर कोने में कम्प्लीटली नक्काशी की हुई है, और इतनी इंट्रिकेट नक्काशी की हुई है कि मतलब एकदम इम्पॉसिबल सही लगता है। मतलब सच में बहुत का गजब का वर्क किया गया है, ट्रूली ए मैजिकल वंडर। तो मैंने इस तरह से और भी सारे मंदिर देखे हैं आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस वाले, एलोरा अजंता के भी मैंने टेंपल्स वो केव्स देखी हैं, बट यहाँ का जो चन्नकेश्वर मंदिर है ये थोड़ा सा अलग है उनसे, क्योंकि यहाँ के आर्किटेक्चर की जो मेन बात है वो है इंट्रिकेटली बहुत ही बारीकी से की गई हुई नक्काशी पत्थरों पर। और इस कॉम्प्लेक्स में फिर इस चन्नकेश्वर मंदिर के पीछे 3-4 मंदिर और हैं और इसके आसपास कुछ कुछ स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है, पुष्करणी कहते हैं इसको। और चन्नकेश्वर मंदिर के बगल में वो एक जो पिलर देख रहे हैं आप, वो पिलर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड महास्तंभ, और उसको ग्रेविटी पिलर भी कहते हैं। तो उसकी खास बात यह है कि वो 42 फीट हाइट है उसकी। इसकी जमीन के नीचे कोई बेस नहीं, यानी कि इस पिलर की कोई नींव नहीं है, ये जस्ट एक मोनोलिथिक स्टोन पिलर है जो कि एक प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है और अपनी ग्रेविटी की वजह से ही वो एक स्टेबल पोजीशन पर रखा हुआ है, गिरता नहीं है, इसलिए इसको ग्रेविटी पिलर कहते हैं। सो यार, दिस इज द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे एंट्री फ्री है और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब कुछ अलाउड है, कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पे। और अगर आप अच्छे से इंटरेस्ट लेके देखेंगे तो यहाँ पर आप आराम से 2-2.5 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। So now we are outside the temple complex और यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट है, वो मार्केट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो लंच टाइम भी हो गया है, अभी हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। यहाँ पे एक डैम है कॉल्ड यगाची डैम, एक रिवर है यगाची रिवर जो कि कावेरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, और उस पर एक रिजर्वायर है यगाची रिजर्वायर, और वहाँ पे एक डैम है यगाची डैम। तो लंच करके फिर हम लोग वहाँ पे चलते हैं। यगाची डैम साइड ये हम पहुंच गए यगाची के पास। तो दिस इज यगाची डैम, ये डैम का गेट है और यहाँ पे यगाची डैम के पास ही एक और KSTDC का होटल है, होटल मयूरा अगाची। तो ये डैम का गेट है और रोड की दूसरी साइड वो होटल है। तो बेलूर में KSTDC के 2 होटल हैं, एक तो ये यगाची डैम के पास है, इसका नाम है होटल मयूरा यगाची, और एक मंदिर से लगभग 0.5 किलोमीटर दूर है, चन्नकेश्वर मंदिर से 0.5 किलोमीटर दूर, उसका नाम है होटल मयूरा वेलापुरी। तो दिस इज़ द डैम, यहाँ डैम के ऊपर तो पब्लिक के लिए जाना अलाउड नहीं है, और वहाँ से यगाची रिवर आ रही है, वहाँ रिजर्वायर है, और फिर ये डैम के बाद यहाँ से रिवर आगे कंटिन्यू कर जाती है। सो अभी डैम से पानी तो छोड़ा नहीं गया है, तो दूसरी साइड तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, अपन अभी पहले रिजर्वायर साइड चलते हैं। और मैंने नेट पे पढ़ा था कि ये यगाची रिजर्वायर बेलूर में वाटर स्पोर्ट्स के लिए पॉपुलर है, बट अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, शायद कोरोना की वजह से सब वाटर स्पोर्ट्स उन्होंने बंद कर दिए हैं फिलहाल के लिए।
ऑल्दो डैम में अभी कोई वाटर स्पोर्ट्स नहीं है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, बट ये डैम के आसपास की जो सराउंडिंग्स है वो बहुत ही सीरीन है, बहुत शांति है यहाँ पे, और काफ़ी दूर दूर तक ग्रासलैंड्स हैं और यगाची रिवर भी पीछे बह रही है, थोड़ा पानी है उसमें। सो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे, स्पेशली शाम को बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग टाइम इन्जॉय करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। दोपहर में तो धूप रहती होगी क्योंकि सारा ओपन एरिया है। सो ए ग्रेट प्लेस टू स्पेंड सम रिलैक्सिंग टाइम इन बेल्लूर एंड डेफिनेटली कैन बी क्लब्ड विद चन्नकेश्वर स्वामी टेम्पल इफ़ यू आर कमिंग टू बेल्लूर। तो दोस्तों, बेल्लूर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है कर्नाटका टूरिज्म की, और होयसाला डायनेस्टी में ये बहुत महत्व रखता था ये बेल्लूर टाउन। बेल्लूर होयसाला डायनेस्टी की कैपिटल भी थी, इससे पहले हलीबेड़ू कैपिटल थी, बट हलीबेड़ू में मुस्लिम्स का इन्वेजन होने के बाद फिर उन्होंने यहाँ पर कैपिटल शिफ्ट कर दी थी बेल्लूर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी उस टाइम भी, और टूरिज्म के हिसाब से तो कर्नाटका में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है बेल्लूर। सो दैट्स ऑल फॉर बेल्लूर फ्रॉम माय साइड। आज का दिन यहीं पे बंद करते हैं, कल हम लोग हलीबेड़ू घूमेंगे और हलीबेड़ू के टेंपल्स में आपको फिर नए वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में हलीबेड़ू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।